नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। बालाघाट जिले के परसवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लच्छीटोल में विद्युत सप्लाई सुधारने के लिए अस्थायी सहायक दिनेश पटेल की दर्दनाक मौत हो गई। युवक विद्युत पोल पर की गई घंटों चिपके रहे और इस घटना के बाद वहां पर तनाव का माहौल बन गया और लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। शिवरात्रि पर विद्युत खंभे पर ही चिपका रहा, जिसे प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में दूसरे दिन तकरीबन प्रातः 6 बजे बामुश्किल नीचे उतारा गया। 11 केवी की विद्युत तार पर हुए इस हादसे को लेकर विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई। बता दें कि परसवाड़ा थाना अंतर्गत डोंगरिया क्षेत्र अंतर्गत होली की रात्रि में विद्युत सप्लाई अवरुद्ध हो गई थी, जिसके चलते क्षेत्र के लाइनमैन मुन्नू खरे द्वारा अस्थायी सहायक लाइनमैन दिनेश पटेल को विद्युत प्रभाव सुधारने के लिए लच्छीटोला विद्युत पोल पर भेजा गया था। इस दौरान विद्युत फॉल्ट को सुधारने के लिए सहायक दिनेश पटेल खंभे पर चढ़ा और वे विद्युत फॉल्ट सुधारने लगा। इस दौरान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विद्युत सप्लाई को प्रारंभ कर दिया गया, जिसके साथ ही खंभे पर चढ़ा युवक दिनेश पटेल तार से चिपक गया और वह बुरी तरह से झुलस गया। अगर वो नहीं हो पाया तो मेरे पे कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, पर साइन का कोई वैल्यू नहीं है। पर आपके बड़े अधिकारी की तो वैल्यू है, उनको बुलाओ ना। जनता के पीछे वो हैं जी। जब तक जी, अपना नाम बताएं। पंकज पटेल। कहाँ रहते हैं? डोंगरिया। ये जो घटना है, कैसी क्या घटना? कल शाम टाइम की घटना है। मेरे पिताजी को कॉल आया, खरे जो यहाँ के वो लाइनमैन है, उनका कॉल आया कि उन्हें की लाइट खराब हो गई है लच्छीटोला के बीच में, आप सुधार दीजिए। तो पापा जी गए, उन्होंने फिर गए, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। पर मुझे ये जानना वो है मेरे को कि मेरे पिताजी को ऐसा क्या हुआ कि वो लटके मिले। और उसके बाद अभी रात में हमने वो किए, FIR किए। फिर सुबह हम लोग जब वहाँ गए तो पुलिस प्रशासन आया, एक साथ बिना बताए किसी को कुछ बोले जबरदस्ती उठा के ले गए मुझे। ये जो ग्रामीणों ने जो हुजूम लगा रखा है और गाड़ियां जो खड़ी कर ली है SDM साहब की, कैसा क्या कारण है? SDM साहब की गाड़ियां नहीं खड़ी करी हम लोगों ने, SDM साहब खुद गाड़ी छोड़ के भागे हैं। उनने कहा है नेटवर्क नहीं है, हम नेटवर्क में जाके कलेक्टर SP से बात करके आते हैं जी। दूसरी बात ये कि कल शाम को कोई खड़े लाइनमैन है, उसने दिनेश पटले को फ़ोन करके बोला कि यहाँ की लाइट ख़राब है, आप पोल पे चढ़ें, ट्रांसफार्मर लाइट ठीक करें जी। लाइट ठीक कर रहा था उसी समय, उनने पता नहीं चार्ज किया क्या किया, तो पोल पे ही चढ़ के जो है दिनेश पटली की मौत हो गई। और दूसरी बात, गांव के लोग शांतिपूर्वक थे। सुबह पुलिस ने बगैर गांव घर के लोगों को पंचनामा दिए, बगैर घर के लोगों को बताए बॉडी को लेके गई है। तो गाँव के लोगों का कहना है और घर के लोगों का कहना है कि हमारे परिवार का बच्चा गुम हो गया है, जिसने परमिशन दिया था उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले और मुआवजा मिले, और जिन पुलिस वालों ने बगैर परिवार के परमिशन के बॉडी ले गया उन पुलिस वाले पे कार्रवाई हो, ये हमारी सबकी मांग है। और बड़ी शांतिपूर्वक हम मांग कर रहे हैं, हम बिल्कुल कहीं कोई आंदोलन के चक्कर में नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत शांतिपूर्वक है और मांग जायज है। उन जायज मांग के लिए हम सब ग्रामीण यहाँ उपस्थित हुए। अभी 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 प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया जा रहा है? SDM साहब ने बोले कि हम आते हैं, वो छाव में गए हैं, वो बात करने बोले यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तहसीलदार साहब के साथ गए हुए हैं। हमने कहा भाई बुला लो और जो मांग है उसको मांग को पूरी करे, बगैर पंचनामा के कैसे आपने बाड़ी उतारा, पुलिस वालों ने बगैर परिवार के सहमति कैसे बाड़ी ले गया आपने, ये हमारी मांग है। अगर प्रशासनिक स्तर पर अगर कोई उचित कार्रवाई या जो परिजनों की मांग है वो अगर नहीं मानी जाती, तब इस स्थिति में क्या किया? इस स्थिति में हम बाड़ी नहीं लेंगे भाई, आपने चोरी करके ले गया, हम बाड़ी चोरी का जुर्म दर्ज कराएंगे कि हमारे घर से हमारा लड़का चोरी हुआ और उसको जला के मार दिया गया, ये मांग करेंगे हम। भैया मेरा नाम अशोक कटरे है, मैं ग्राम डोंगरिया का निवासी हूँ और भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष। आज जो ये दुखद घटना घटित हुई आपके एरिया में जी, कैसी और क्या कैसे घटना? ये दुखद घटना मेरे गाँव का निवासी है दिनेश कुमार पटले, जिसको विद्युत विभाग के कर्मचारी खरे लाइनमैन करके है कोई, वो हमेशा उसको विद्युत विभाग में उपयोग में लेता था। उस वैसे ही उसी तारतम्य में आज भी उसने अपने फ़ोन करके कहीं लाइट ख़राब थी उसकी लाइट को जोड़ने के लिए उसको बुलवाया, घर से लड़का गया और मेरे गांव का ही एक लड़का ने उसको गंतव्य स्थान तक पहुँचा भी दिया। और उसके बाद इसी बीच में 6:45 के आसपास तक लाइट 3 से 4 बार आई है गई है, और इसी बीच में यह हादसा हुआ है। ये खंभे पे लटका की लटका रह गया
और ये हमेशा ये है कि गांव में लाइट का काम करता था और ये लाइनमैन लोग इसका हमेशा उपयोग किया करते थे। अभी आप लोग पूरे गांव के सहित अभी पावर हाउस पहुंचे हैं क्या?